28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है मेष राशि में। इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों लगन के ऊपर, इसी विषय पर बात करूंगी मैं। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये खगोलीय घटना होती है, होते रहते हैं ब्रह्मांड में। ग्रह सब अपनी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, तो जब भी चंद्रमा और सूर्य का संबंध राहु के साथ में बनता है, केतु के साथ में बनता है, तो ये स्थिति ग्रहण का निर्माण करती है। उसका प्रभाव जो है, ये इसका क्या सूतक काल होगा, कहाँ पे लगेगा, इन सब विषयों को मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। ये सब आप देख लीजिएगा कैलेंडर से, मैं सीधा इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन के ऊपर उस पर ही बात करती हूँ। और इस बार क्या है कि अक्टूबर में, तो 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा, उसके थोड़े ही टाइम के बाद में चंद्र ग्रहण भी लग रहा, मतलब कि 1 महीने में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं। मन के कारक और आत्मा के कारक, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेनेट राहु केतु से प्रभावित हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का जो मन है और जो उसकी आत्मा है, दोनों ही कहीं ना कहीं पीड़ित हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। अब इसको आप क्या करिए कि अच्छा हो जाए? अच्छा यही है कि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए और अपने सूर्य को मजबूत कर लीजिए। जो परेशानी में फंस रहा है उसी का तो बचाव करना है, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। तो जब ये चंद्र ग्रहण होगा 28 तारीख को दोपहर में 12 बजे के आसपास, जो राहु की डिग्री रहेगी वो मेष राशि में 0-0 डिग्री रहेगी, और 5 या 6 मिनट के करीब ये रहेंगे और कुछ सेकंड भी रहेगा। ये रहेंगे 6 मिनट और 58 सेकंड के राहु, और चंद्रमा वहां पर रहेगा करीब 2 डिग्री के आसपास रहेगा। मतलब कि ये समय है कि जब राहु और चंद्रमा बिल्कुल एक नवांश में 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब कोई भी ग्रहण लगता है या किसी भी प्लेनेट की जब कंजंक्शन होती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो जितना क्लोज रहते हैं उसका इम्पैक्ट उतना अधिक हो जाता है। अब चंद्रमा मन है, राहु भ्रम है, तो यहाँ पर क्या है कि मन बहुत पीड़ित होगा। मन पीड़ित होने की वजह से इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे ज्यादा जो पड़ेगा पड़ेगा एक तो मेष वालों को पड़ेगा, क्योंकि मेष की ही राशि में हो रहा है, जिनकी लग्न मेष है या चंद्र राशि जिनकी मेष है। दूसरा कर्क राशि, क्योंकि आपके राशि लॉर्ड होते हैं, वो ग्रहण में फंस रहे हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के लिए 4, 8, 12 भाव में जाएगा ये ग्रहण, वहां थोड़ी सी दिक्कत देता है। बाकी जिनके लिए उपच भाव में 3, 6, 10, 11 में होगा, वहां उतनी प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा माता का कारक होता है, तो आपको माँ का ध्यान रखना चाहिए, माँ के सुखों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा जो होती है सुख की राशि होती है, कर्क राशि को दिखाता है। तो जितना भी अपना डोमेस्टिक एरिया है, जो घर का सुख है, फैमिली मेंबर्स के बीच का जो एक पूरा माहौल होता है, उसको भी आप अच्छा बना करके रखिए, अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छा रखिए। चंद्रमा पैसों को भी दिखाता है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, तो कैश फ्लो जो है आपका, किसी से लेन देन कर रहे हैं, उन सब चीज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वही पीड़ित हो रहा है, तो निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, गलत आप फैसला कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद बोल दूं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़ करके मेरे वीडियोस को देखते हैं, और जो भी नए वीडियोस जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि एनालिटिक में सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कितने परसेंट लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, कितना उसमें सब्सक्राइब वाले लोग, जो लोग सब्सक्राइब करके देख रहे हैं वो पता चल जाता है, जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं वो सारी चीजें उसमें आ जाती है एनालिटिक में। तो प्लीज जब देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उससे खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि जो मेहनत करते हैं तो उसका कुछ रिटर्न मिल रहा, लोगों को अच्छा लग रहा है, या एक सपोर्ट मिलता है, एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जब देखते हैं वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और देखिए ना, उपाय तो मैं लास्ट में जो है बताऊंगी ही विस्तार से, लेकिन शुरू में ही बता दे रही हूँ कि मन को मजबूत करना है। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, राहु का जो दुष्प्रभाव है उससे आप उतना अधिक बच पाएंगे। सीधे आते हैं राशियों के ऊपर। मेष वालों के लिए देखिए, आपके लग्न स्थान पे ही ये ग्रहण लग रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे व्यक्तित्व का, सारे डिसीजंस का आपको ध्यान रखना है, अपनी छवि का। इस टाइम पीरियड में ग्रहण के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद में ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आपकी इमेज के ऊपर कोई दुष्प्रभाव आए, कोई खतरा आए, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ की छवि प्रभावित तो हो सकती है। आपका जो पूरा सुख है, माँ का सुख है, परिवार का,
और पैसों का जो लेन देन करते हैं, जो बड़े डिसीजंस लेने हैं, यहाँ बिल्कुल मत करिएगा। हेल्थ का और अपनी इमेज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, आपकी छवि यहाँ पे प्रभावित हो सकती है, निर्णय आपसे गलत हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और केतु के ही नक्षत्र में ये सारा कुछ हो रहा है, तो केतु चूंकि भी आप लोगों के पार्टनरशिप वाले भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा मैरिज लाइफ में पार्टनर के साथ में बचा करके चलिएगा, वहां पे कुछ विघटन या अलगाव जैसी स्थितियां नहीं बनने पाए, वो ओवरऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ वालों के 12वें भाव में हो रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, आपसे अनावश्यक व्यय हो जाएंगे, गलत आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, डिसीजंस वगैरह गलत लेने, कहीं गलत जगह पे आपके पैसों का निवेश हो जाए, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। यात्राओं से बचाव करिएगा, गलत जगह पे पैसे मत फंसाइएगा अपना, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो पैसों का जो निवेश है वृषभ वालों को वहां ध्यान रखना रहेगा। मिथुन वालों के लिए आपके 11th हाउस में ग्रहण हो रहा है, काफी अच्छी स्थिति है आपके लिए, यहाँ पर आपको हो सकता है कि अचानक से कुछ फाइनेंशियल गेन करवाते ये ग्रहण, ये एक अच्छी चीज है, और पैसे मिलने के बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। सावधानी सिर्फ एक रखिएगा, जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ रिश्तों का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली ये ग्रहण आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। कर्क वालों के लिए आपके 4th हाउस में ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी छवि है वो खराब हो सकती है, या आपका कोई डिस्प्यूट अपने बॉस के साथ में हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप अपने जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसी से आप किसी बात पे बहस कर लें, उलझ जाएं, लड़ लें, झगड़ लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, आपकी छवि नहीं प्रभावित होने पाए, उससे आपके प्रोफेशन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और ये ग्रहण जो आपका नौकरी है या आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, उसके लिए उतना नकारात्मक रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ आपके संबंधों को ये खराब कर सकता है। सिंह वालों के लिए आपके भाग्य भाव पर हो रहा है ये ग्रहण, तो ध्यान रखिएगा, यात्राओं से बचाव करिएगा इस टाइम पीरियड में, जो आपके फादर हैं उनकी सेहत में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, या फिर उनके साथ में आपका कोई कहा सुनी वाद विवाद अनबन हो जाए, इन दो चीजों की संभावना बन रही है, जिनके पिता अधिक एज के हैं, ध्यान रखिएगा, अगर दशाएं वगैरह आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को विशेष दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा, सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। कन्या वालों के लिए आपके 8th हाउस में ये ग्रहण हो रहा है, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो संभाल करनी है अपने इन लॉज पक्ष से, बहुत बचाव करके चलिएगा, उसमें दिक्कत ये कर सकता है। दूसरा क्या रहेगा, ये जो आपके 8वें भाव में राहु और चंद्रमा मिलेंगे, इनके ऊपर शनि की भी दृष्टि रहेगी, वक्र शनि की दृष्टि रहेगी, तो ये क्या कर सकते हैं कि आपको ये गलत तरह के क्रियाकलापों में उलझा करके परेशान करने का भी काम कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का जो पैसों का लेन देन होता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने काम होते हैं, मतलब कि जैसे आप सरकारी विभाग में हैं, किसी तरह का जो 2 नंबर की कमाई है, पैसों का लेन देन है, गबन है, टैक्स की चोरी है, इस टाइप का काम मत करिएगा, अदरवाइज वहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है आपके लाभ का मालिक है, या आपके लाभ को प्रभावित कर सकता है नकारात्मक ढंग से, तो ध्यान रखिएगा, कन्या वालों को सावधानी रखनी है, इन लॉज के साइड से बचाव भी करिएगा। उसके बाद बात करते हैं तुला वालों के लिए, आपके 7th भाव में ये ग्रहण लग रहा है, बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी है अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ, कम से कम जो 28 अक्टूबर का टाइम है, 2-4 दिन आगे पीछे, बहुत ज्यादा संभाल करके चलिएगा, यहाँ आपका दाम्पत्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जिनका पहले से दिक्कतें चल रही हैं, मैरिज में प्रॉब्लम है, विवाद को बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, एकदम शांति से चुपचाप होकर के, शांत होकर के बैठ जाइएगा, व्यापार बिजनेस से जुड़े हुए कोई बड़े निर्णय यहाँ पर मत करिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपको नकारात्मक प्रभाव मिलेगा, आपकी पार्टनरशिप यहाँ टूट सकती है, या आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज जो है उसको आप मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, आप उसको सॉल्व करने के बजाय आप उसको और ज्यादा उलझा दें, मतलब कि तुला वालों को विवाह से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए ग्रहण की स्थितियां निर्मित होती हैं, दो तरह से रिजल्ट दे सकती हैं, या तो आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दें, उसको आप अच्छे से समझें, प्रॉब्लम को खत्म करें, दूर करें, मतलब जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप सोच समझ करके, बातचीत करके उसको रिजॉल्व कर लें। दूसरा क्या होता है, उस रिश्ते को ही खत्म कर दें, तो ऐसा मत करिएगा, रुकिएगा, संभलिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। वृश्चिक वालों के लिए आपके 6ठे भाव में ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है, ठीक है, आपके लिए नौकरी व्यवसाय में तो इतनी प्रॉब्लम आपको ये नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जो
आपके मामा पक्ष के लोग हैं उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है या आपकी मदर को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वहां आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। बाकी नौकरी व्यवसाय बिजनेस के दृष्टि से ग्रहण आपको इतना प्रभाव नहीं देगा, सेहत का आपको ध्यान रखना है, मामा का भी, स्पेशली जो आपके छोटे मामा हैं उनका आपको ध्यान रखना है, और माँ के स्वास्थ्य का। धन वालों के लिए ये ग्रहण आपके फिफ्थ हाउस पे लग रहा है, यहाँ आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, किसी भी तरह के अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे हैं छोटे, उनका ध्यान रखिएगा। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं इसमें पर अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, कुछ भी मिस कैरेज जैसी चीजें नहीं होने पाए। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ऐसा मत करिएगा, उसकी संभावना बन सकती है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पर आपका मन पढ़ने से भटके और फालतू के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व हो, ये सब काम ये ग्रहण करवा सकता है, मतलब आपकी मति यहाँ पर भ्रमित रहेगी। और चंद्रमा यहाँ फंस रहे हैं, चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और वो यहाँ पर आकर के पंचम भाव में राहु के साथ में बैठेंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम देने का पूरा प्रयास करेंगे, सावधानी रखनी है आपको। मकर वालों के लिए आपके फोर्थ हाउस में ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा आपके सप्तमेश होते हैं। सबसे पहला ध्यान आपको क्या करना है कि अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ का जो संबंध होता है उसका ध्यान रखिएगा, वो नहीं बिगड़ने पाए, उसमें वाद विवाद कलह क्लेश नहीं बढ़ने पाए। दूसरा, आपको अपनी मदर की सेहत और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। जो भी आप यहाँ पर निवेश वगैरह करते हैं तो थोड़ा उसको देख परख करके तब करिएगा, इस समय को सावधानी से निकल जाने दीजिएगा। यहाँ पर आप पूजा पाठ साधना इन चीजों में समय व्यतीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सुख भाव पे हृदय स्थल पर ग्रहण लग रहा है, आपका मन अशांत रहेगा, डिसीजन आप सही नहीं ले पाएंगे, मन आपका भयभीत रहेगा, सावधानी रखनी, किसी से विवाद मत करिएगा। कुंभ वालों के लिए आपके थर्ड हाउस में ग्रहण की स्थिति बन रही है, तीसरे भाव में ग्रहण की स्थिति है, तो आपके काम धंधे के ऊपर तो उतना नकारात्मक प्रभाव ये नहीं डालेगी, लेकिन ये समय रहेगा जब आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके करीबी लोग होते हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में या तो उनके स्वास्थ्य में कोई हलचल मचेगी या फिर आपका संबंध उनसे किसी भी वजह से खराब हो, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी आप यात्राएं वगैरह कर रहे हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब वगैरह नौकरी उकरी की दृष्टि से ठीक है। मीन वालों के लिए आपके सेकेंड हाउस में ग्रहण की स्थिति निर्मित हो रही है और आपके पंचमेश होते हैं चंद्रमा, जो कि सुख भाव में जाकर के राहु से ग्रसित हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी बड़े आप पैसों का लेन देन करते हैं, कुछ निवेश करते हैं, उन सब चीजों का यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें प्रॉब्लम आपके आ सकती है। मतलब कि जैसे आपने शेयर में कुछ पैसे लगाए बगैर सोचे समझे, आपने 28 तारीख को ही ढेर सारे पैसे निवेश कर दिए और वो आपका आगे चल करके आपको प्रॉब्लम दे दे, उसमें प्रॉफिट के बजाय लॉसेस हो जाए, पहली चीज इसको ध्यान रखना है। दूसरा, आप अपनी फैमिली के अंदर का जो पूरा इंटरनल आपका एरिया होता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य होते हैं आपस में, वहां पर कोई तनाव क्लेश बिल्कुल नहीं होने पाए, पारिवारिक पक्ष आपका अशांत हो सकता है, क्योंकि सुख का आदमी के कुटुंब का फैमिली का भाव होता है, तो यहाँ ग्रहण लगना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण है आपके भाव के अनुसार रिजल्ट करेगा, और ये ग्रहण की जो स्थिति है विश्व में कहीं पे दिखे या नहीं दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रह इतनी बड़ी ऊर्जा है कि वो आपकी पृथ्वी से मतलब नहीं रखती है कि इंडिया में दिख रहा है कि पाकिस्तान में दिख रहा है कि अमेरिका में नहीं दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी 12 के 12 ज्योतिष के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता ही डालता है। दूसरी चीज, ग्रहण में चंद्रमा आ रहा है तो चंद्रमा को आप जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ही आप ग्रहण के नेगेटिव रिजल्ट से बच जाएंगे, और राहु को आप जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि उसकी ऊर्जा को जितना आप कम करेंगे और चंद्रमा की एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे तो ग्रहण आपको कुछ नहीं कर पाएगा। पहली चीज, ग्रहण वाले दिन विशेष रूप से जिन लोगों के नेटल चार्ट में चंद्रमा और राहु एक साथ हैं वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इस दिन का आप उपयोग कर लीजिएगा अपने उस दोष को कम करने में। दोष तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, चंद्र राहु की जो युति होती है व्यक्ति को पैसा बहुत देती है, बहुत फॉरेन ट्रेवल कराती है, इन सबको में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन चंद्रमा मन है तो मन को जरूर पीड़ा देता है ये राहु और चंद्र की युति। तो आप लोग उस दिन काला तिल है, चावल है, सफेद तिल है, इन सब चीजों को मिला करके भगवान शिव के ऊपर जल के साथ में चढ़ा सकते हैं, इसका आप जल प्रवाह कर सकते हैं। जट्टा वाला नारियल लीजिएगा, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार घुमा करके कहीं बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा,
उससे राहु की जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है वो दूर होगी। कच्चा कोयला ले लीजिएगा, जौ ले लीजिएगा, जौ को कच्चे दूध में भिगो लीजिएगा। मतलब राहु से संबंधित आप मैक्सिमम जितनी रेमेडी कर सकते हैं इस ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण वाले दिन जरूर कर लीजिएगा, उससे बहुत फायदा हो जाएगा। जिनके नेटल चार्ट में राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, उनके लिए विशेष रूप से दिन है, क्योंकि वही ग्रह युतियां बन रही है ना, तो वहां उस दिन विशेष उपाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा, सभी लोग, आप सब लोग चंद्रमा को खूब मजबूत करिएगा, चंद्रमा के मंत्रों का जप करके। चंद्रमा का जो मंत्र होता है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, और उसके अलावा जो चंद्रमा का वैदिक मंत्र होता है उसको भी आप कर सकते हैं। और शिव जी की जितनी पूजा आपसे करते बने, मतलब शिव की तो पूजा ऐसे भी करनी चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी उपाय होते हैं, मंत्र जाप, कितनी भी चीजें हो, फाइनली जाके शिव जी के पास आप जाइए तो सब सही हो जाता है, क्योंकि वही सबसे मेन है, उन्होंने ही सब ये सब रचा है खेल, तो उन्हीं के शरण में जाइए। और राहु की खूब दान करिए, जितने भी दान आप कर सकते हैं, पक्षियों को दाना पानी रखिए, जौ को प्रवाह करिए, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन जरूर करिए, और ग्रहण वाले दिन तो करना ही करना है। और जिस दिन चंद्र ग्रहण 28 तारीख को, पूरे दिन आप अपने घर में आप प्रयास करिए, घर में, ऑफिस में, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं आसपास, ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप लगा दीजिए, धीरे धीरे आवाज में बसता रहे, जिससे जो चंद्रमा ग्रहण में आ रहा है ना, पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा को दिक्कत हो रही है ना, राहु उसको दबोच रहा है, तो चंद्रमा मन है ना, तो हर एक व्यक्ति का मन पीड़ित होगा, माँ पीड़ित होगी, लिक्विड मनी पीड़ित होगी, सुख पीड़ित होगा, हृदय स्थल पीड़ित होगा। और इसी के साथ साथ जितने भी इमोशंस हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो सब चीजों को आप उपाय करिए, इससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। और आशा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस ग्रहण को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। और डेट वगैरह तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कब से कब तक, ये सब चीजों के लिए जो दूसरे वीडियो आते हैं ना यूट्यूब पे, बहुत वीडियो आते हैं अलग अलग ढंग के, मेरा तो एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, तो मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वही ज्यादा बताऊंगी, कितने से कितने बजे तक सूतक लग रहा है, क्या सावधानी रखें। सावधानी यही रखना चाहिए कि जितना ज्यादा आपसे पूजा पाठ करते बने आप करिए, नहाइए धोइए, भगवान का मंत्र जाप करिए, ये सब करने में कोई मनाही नहीं होती। मनुष्य इतना स्वार्थी होता है और इतना आलसी होता है कि उसको कोई काम नहीं करना पड़े, मतलब वो पूजा तक करने में आलस करता है, वो मंत्र जाप तक करने में आलस करता है, उसके लिए वो सब बहाने ढूंढता है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है इसलिए पूजा नहीं करनी, घर में कोई खत्म हो गया इसलिए सूतक लग गया नहीं पूजा करनी, बच्चा पैदा हो गया घर में नहीं करना, मतलब अच्छा काम करने के लिए इंसान हजारों रास्ते ढूंढ लेता है, उसमें उसको बड़ा आनंद आता है कि चलो पूजा से मुक्ति मिली, मंत्र जाप, क्योंकि काम कुछ भी करने बैठेंगे आप मेहनत तो लगती है ना, आप मंत्र जाप करिए, पूजा पाठ करिए, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप बैठ के कोने में अगर आप मंत्र जाप करते हैं, देखिए कितनी ऊर्जा लगती है, सबसे कट के आपको एकांत में रहना पड़ता है, और मन उस समय कितने विचार करता है, तो ये सब चीजें आदमी से, यही तो साधना है ना, यही साधना है। साधना का मतलब ये नहीं है कि कहीं आप जंगल में चले गए, जब आप अपने मन को कोने में लेकर के जाते हैं, दुनियादारी से कट के रहते हैं, तो यही तो साधना है, तो ये सब करिए, इससे आपको फायदा होगा, और चंद्र ग्रहण नुकसान नहीं करेगा। अगर आपका मन अच्छा है, मन आपका मजबूत है, आप अपने मन को मजबूत करिए, और जीवन में जो दुख सुख आते हैं वो सब साइड बाय साइड चलते रहते हैं, ये कभी जीवन में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपका जीवन 100% स्मूथ चलेगा और तब आप शांति से बैठेंगे, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ग्रह अच्छा जाएगा तो दूसरा जाए खराब जाएगा दूसरा अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बना ही रहता है चार्ट में, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ट्रांजिट की वीडियो है उसको आप लोग देखिए, और एक गाइडलाइन के तौर पे होता है, ना तो उससे आप डरा करिए, ना घबराया करिए, ना तो बहुत खुश हुआ करिए, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से लीजिएगा। और फिर मैं आप लोग फिर कोई वीडियो लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।